यहाँ पे चुवाई होगी। अब ये मशीन है और ये गायें हैं जी, ये तड़फ रही हैं अब चुवाने के लिए। चलो जी बाबा जी लेके आओ। ये आ रही है अब गायें, देखें ये तड़फ रही हैं चुवाने के लिए। ये आई है और ये देखें जी, ये देखिए आ चुकी हैं अभी दोनों को दोनों। देखते हैं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज हम आए हुए हैं यहाँ पे सरदार डेयरी फार्म पे। तो ये हमारे एरिया में मौजूद है, आपको साथ साथ ये दिखाते चलें कि यहाँ पे प्योर रेड फ्रीजन की गायें हैं, सारी एक से एक क्वालिटी है। ये आपके सामने आज हम यहाँ पे आपको लेकर आए हैं, तो आपको यहाँ पे आज बताएंगे कि इन गायों की सबसे मेन खसूसियात क्या हैं, इनका दूध की एवरेज कितनी है और इनकी कीमत कितनी है। यहाँ पे आज इस टाइम हम मौजूद हैं, यहाँ पे आम बंदे को अलाउ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवर हैं। तो इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कैमरे वगैरह भी लगा रखे हैं ताकि कोई आम बंदा ना आ सके। दिखाते हैं फिर आपको। ये यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर मुबारक, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सरकारी डॉक्टर हैं। तो इनसे पूछते हैं जी ये क्या यूज़ करते हैं खुराक के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये कौन सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से जानवर के लिए कौन सी क्वालिटी की खुराक इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे तमाम पूरे फार्म में होल्स्टीन फ्रीजियन के जानवर हैं जी। अच्छा, इनके लिए हम हमारे फार्म का जाती साइलेज है। अच्छा, ये हम साइलेज डाल रहे हैं मकई के साथ। अच्छा ये जी, अच्छा मकई का साइलेज। देखिए ये मकई की क्वालिटी चेक करें। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ये मकई का बनता है। अच्छा, जब मकई गब्बे पे आ जाती है, जब आधा दाना दूधिया आधा सख्त हो जाता है जी, तब इसको मुकम्मल कुतराई करके जी, चॉपिंग करके, अच्छा, फिर उसके बाद इसको स्टोर कर दिया जाता है 30 से 35 दिन के लिए। ठीक हो गया। जब स्टोर हो जाता है उसके बाद फिर ये साइलेज तैयार हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूध वाले जानवरों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए सेम खुराक है या अलग अलग है? ये तमाम जानवरों के लिए मुफीद खुराक है। अच्छा, गज़ाइयत से भरपूर है, मुतवाज़न खुराक है। अच्छा जी, इसे आप चाहे गोश्त वाले ब्रीड के लिए इस्तेमाल करें, चाहे छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, अच्छा, चाहे हीपर जो बैठे हैं, अच्छा, उनके लिए इस्तेमाल करें, चाहे जो हमारी लिबेरिया गायें, अच्छा, मिल्किंग वाले जानवर हैं उनके लिए इस्तेमाल करें, ये सबके लिए बराबर है। ठीक है। इसके साथ हमने ये नमक के डेले रखे हुए। हाँ जी, ये नमक के डेले यहाँ पे, ताकि इनकी जो नमकियात है वो पूरी होती रही है, जानवर चाटते हैं उसको जुबान के। अच्छा हाँ जी, ये नज़र आ रहा है जी, ये जी देखें जी नमक के डेले भी रखे हैं जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। और इस थैले में क्या डॉक्टर साहब? ये साइलेज का है। अच्छा जी, ये साइलेज का है। ये थैले में बनता है? जी ये नहीं, ये थैले में बनता नहीं, इसको पैक करके रखा। अच्छा, जाता है। अच्छा, पैक करके रखा जाता है ताकि ये ड्रॉप होने से बचे। सही, या कहाँ से लेकर आते हैं आप ये? ये हमारे फार्म का जाती बन रहा है। अच्छा सही, जाती बन रहे। अच्छा जी, और इसके ये यहाँ पे तकरीबन आपकी स्ट्रेंथ कितनी है इन जानवरों की? तकरीबन कुछ 60 के करीब है, 62 के करीब है। अच्छा जी, और यहाँ पे लेबर जो है वो तकरीबन उसकी तादाद दो है। दो, अच्छा, तो 62 के करीब जानवर है। और दूध की एवरेज कितनी है यहाँ पे, कितने जानवर दूध देने वाले? यहाँ से 28 से लेकर 32 लीटर तक जानवरों की एवरेज है। अच्छा, जो दूध दे रहे हैं? दूध दे रहे हैं। अच्छा, उनकी कितना डेली का दूध हो जाता है इनका? इनका डेली का दूध होता है, ये 8 जानवर है। अच्छा जी, 8 जानवरों का आप, कुछ का 28 है, अच्छा, कुछ का 30 है, दोनों टाइम का 28, कुछ जानवरों का दोनों टाइम का 30 है, अच्छा, कुछ का 31 है, कुछ का 32 है। अच्छा, मतलब ये 8 जानवर है। अच्छा, इनका आप कैलकुलेशन कर ले 200 के करीब, इनका 200 लीटर के करीब हो जाता है दूध इनका। हैं दोनों सही, हाथ से भी चुवाते हैं या मशीनों से चुवाई हो रही है? सिर्फ मशीन से चुवाई होती है, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए तब से मशीन यूज हो रही है। अच्छा, मशीन के चुवाई में हाथ की चुवाई में क्या फ़र्क है, मतलब ये हाथ से क्यों नहीं चुवाते ये? हाथ की चुवाई और मशीन की चुवाई में ढेर सारा फ़र्क है। उसका ये फ़र्क है कि मशीन से एक तो जगह जो हमने फार्म पे लेबर रखी हुई है, अच्छा जी, उसके लिए बिजी, मालक के लिए बिजी और जानवर के लिए बिजी। सही है, 2 मिनट का दुरानी होता है, वो मशीन से चुवाई हो जाती है। अच्छा, तो वैसे अगर जानवरों की चुवाई हो तो वो 2 बंदे हैं, अच्छा, तो उनका दूध भी ज्यादा, तो बात करेंगे तो वो उनसे अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। सही,
सही। और ये साथ ही यहाँ पे देखे हैं हमने अलग से, ये छोटे जानवर हैं, ये अलग से क्यों रखे हैं? ये अलग से इसलिए रखे, ये ड्राई पीरियड है। अच्छा ड्राई है, ये प्रेग्नेंट जानवर है। अच्छा ड्राई पीरियड है, इनके लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरे टाइम जो मतलब के सुबह के टाइम साइलेज इस्तेमाल करते हैं जी। ये देखें जी, आप टाइम हम इसको तूड़ी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसमें तो साइलेज के दाने भी मिक्स हैं या सिर्फ तूड़ी है? इसमें सिर्फ तूड़ी है। अच्छा तूड़ी है। दो टाइम है ना, सुबह के टाइम हम इनको साइलेज डालते हैं। अच्छा और दूसरा टाइम जो शाम के टाइम तूड़ी। सही है। ये मतलब कि गायें हैं या बछड़े भी हैं इसमें? इसमें सिर्फ फीमेल है। फीमेल ही है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अलहदा से भी एक पोर्शन ये भी बना हुआ है, ये क्यों है? ये इसलिए कि जब जैसे बछड़े या बछड़ी की उम्र हो जाती है कोई 6 माह से ऊपर जी, तो उसको इस पोर्शन में मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छा इनके लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं आप? साइलेज इस्तेमाल हो रहा है आपके सामने। अच्छा इनके लिए सिर्फ साइलेज इस्तेमाल हो रहा है, साइलेज में क्या चीज़ें शामिल हैं इनके लिए? बस इनके लिए साइलेज इस्तेमाल हो रहा है जो दूध वाले जानवर, इनके लिए मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम पाउडर, बाइपस फैट। अच्छा जी। और दूध वाला बंडा और उसके अलावा साइलेज, ये TMR बना के हम इन्हें खिलाते हैं। आप ये सारा साल यही खुराक इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा खुराक में चेंजिंग भी कर रहे हैं? मुकम्मल सारा साल तकरीबन यही इस्तेमाल होती है, यही इस्तेमाल हो रही है छोटे जानवरों के लिए जी। मुकम्मल यही इस्तेमाल, ठीक हो गया जी। ये हमारे साथ लेबर में एक और शामिल है जी, चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी क्या हाल है? अच्छा जी चाचा जी, इतने फार्म से काम करते हो? कितना साल हो गए तुम इतने काम करते हैं? 5 साल हो गए। बड़ा अच्छा जी, 5 साल। अच्छा जी पहले भी कहीं काम करते रहे? पहले जिम्मेदार करते रहे, ठीक हो गया जी। इस तो अलावा तुम ये जो चारा वगैरह डाल रहे हो, तुम आप लेके आते हो या इतने ही आ जाता तुम्हारे को चारा? आप खुद बनाई दा, उतो ही लागे पाल जा फिर, ठीक है। वंडा भी इस्तेमाल करते हो? वंडा भी पाई दा। ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੁਖਤਾਰ ਵੰਡਾ। ਕੌਣ ਸਾ? ਮੁਖਤਾਰ ਵੰਡਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਵੰਡਾ 24 ਨੰਬਰ ਜੀ। 24 ਨੰਬਰ ਮੁਖਤਾਰ ਵੰਡਾ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ। ਮੈਕਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਕਸਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਵੰਡਾ, ਦਹੀ ਉਹ ਬੂਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਤਾਰ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਵੰਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਦਿਨੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਆ ਸਲਟਰਾ ਦੋ ਦਿਨ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਾਇਲਜ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਫਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? अच्छा जी। और ये आप कहाँ, क्या काम है आपका? इस फार्म में जो भी काम होना है ना वो आपने करना है, ठीक हो गया। आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं? छः सात माह हो गया। ठीक हो गया जी। तो अच्छा काम चल रहा है ये? अल्लाह का शुक्र है जी, आपके सामने है। ठीक हो गया। अलग अलग फार्म है, अलग अलग पार्टी। हाँ जी वो तो ठीक हो गया, ये नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा लेबर आपकी दूसरी अच्छे काम कर रही है या कोई प्रॉब्लम बन रही? माशाल्लाह एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके काम करते हैं। तो पहले से बेहतरी है इस काम में? बहुत ज़्यादा। हमारे से जो भी जितने बंदे इस फार्म पे काम कर रहे हैं जी, पहली बात तो वो उनकी वो वफादार हैं और अच्छा, दूसरा वो ऑनेस्ट है। अच्छा मतलब सही काम कर रहे हैं या कभी कभी तंग भी कर रहे हैं? बिल्कुल मुतमिन है। और जानवर यहाँ पे कैसे हैं, मतलब बदमाश टाइप भी है या बिल्कुल ठीक है जानवर? इस तकरीबन सारे ही, ये तो होल्स्टीन फ्रीजन ऐसी ब्रीड है जी कि ये तो टक्कर किसी बंदे को ना जानवर को मारती है। नहीं होता ही नहीं, बाज जानवर ऐसे होते हैं जैसे अभी ये हम अपने फार्म में कोई ऐसा जानवर हो भी ना, हाँ जी उसको हम सेल कर देते, उसको इस फार्म में नहीं रखते। ठीक हो गया। ये कितना अर्सा हो गया आपको इस फार्म से फ़ायदा उठाते हुए? मतलब ये फार्म को मैं जब से देख रहा हूँ 2014 से। अच्छा। 2019 से नवंबर का महीना अंदर। ठीक हो गया जी। तो ये साइलेज भी खुद ही तैयार कर रहे हैं? साइलेज बिल्कुल खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, खुद ही तैयार कर रहे हैं, खुद ही बेलर मशीन है जी। ये हम तैयार करके इस फार्म के नाम से सेल भी कर रहे हैं। अच्छा जी। तो आपका नाम क्या है?
इस फार्म का नाम है सरदार डेयरी फार्म जी, और इस शॉप का नाम जिस नाम से ये सेल हो रहा है वो पंजाब डेयरी है, उसके नाम पंजाब डेयरी के इस्तेमाल। यहाँ पे कुछ तोड़े नजर आ रहे हैं हमें वनडे के, वो वनडा कौन सा डाल रहे हैं आप? वनडा यहाँ पे मुख्तार फीड इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, 24 नंबर मुख्तार फीड, 24 नंबर, 24 नंबर ठीक हो गया जी। दूध वाले जानवरों के लिए अंजनद का 24 नंबर भी ठीक है, मुख्तार फीड का भी अच्छा है। अच्छा जी, दोनों का ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आजकल मौसम की चेंजिंग हो रही है, तो मौसम की चेंजिंग के पेश नज़र कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको मतलब के सेहतमंद रखें? मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम इनकी वैक्सीनेशन रूटीन से करते हैं। अच्छा जी, आया के गलगोटू हो या ब्लैक क्वार्टर हो, अच्छा या फुट एंड माउथ हो, अच्छा तीनों किस्म की हम वैक्सीन मौसम के लिहाज से करते हैं। अब हमने इनकी वैक्सीनेशन उसकी मुँह खुर की कर दी है। अच्छा जी, गलगोटू की जो इसकी वैक्सीनेशन है वो तकरीबन हम 15 दिन बाद कर वो भी कर देंगे, साल वाली वैक्सीन। मौसम की चेंजिंग के हिसाब से डॉक्टर साहब, ये दूध की बढ़ोतरी में या कम में मकदार में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? बल्कि ये होलिस्टीन फ्रीजन एक ऐसी ब्रीड है, दूध की ब्रीड में वो इसका ऐसे है कि वो जब सर्दी का मौसम हो, ठंडा मौसम सरमा जी शुरू हो, मौसम में इस ब्रीड का दूध ज़्यादा होता है। अच्छा जी, जब गर्मी का मौसम होता है, मई जून का जो महीना होता है या जिन मौसमों में लुएँ चलती हैं, अच्छा जी, उस उन मौसमों में इस ब्रीड का दूध वो कम हो जाता है। ठीक हो गया सर, क्योंकि इम्पोर्टेड ब्लड है जी, तकरीबन ये सब लोग के इम्पोर्टेड ही इंजेक्शन सेक्सी मन है। अच्छा, स्पेशल इस फार्म पे स्पेशल समझ लो कि वो सेक्सी मन यानी मछली वाला टीका इस्तेमाल करते हैं। कौन आप यहाँ पे जो ग्रोथ करवा रहे हैं जानवरों की, वो किस तरीके से नेचुरल करवा रहे हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? मुकम्मल ए टू जेड ना जी, इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, सेक्सीमन इस्तेमाल कर। अच्छा, सेक्सीमन इस्तेमाल कर वाले टीके, वो हम इंपोर्टेड अमेरिकन भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, WW के WW कंपनी वर्ल्ड वाइड साइड जी जी, उसके अलावा एक कंपनी सीमेक्स ये कनाडा की जी, इन दोनों का हम सीमन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों से मुतासर। आप यहाँ से कुछ ये जानवर सेल भी कर रहे हैं, सेल भी करते हैं या नहीं कर रहे? बल्कि यहाँ से जो जानवर तैयार हो जाता है, बाद दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि ब्रीड तैयार करके सेल करते हैं। अच्छा जी, जब ब्रीड बन तैयार हो जाती है, अच्छा, तो सोने के करीब है, तकरीबन 8-10 दिन रह गए। अच्छा जी, तो उसको हम सेल कर देते हैं। सेल हमें समझ लो कि जानवर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, सही, हमारे इधर फार्म से खुद ही जानवर तैयार हो गए, समझ लो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम है। तो सेल अगर आपसे कोई लेना हो तो जानवर इनमें से कोई पसंद आ जाए तो कितने का सेल हो जाएगा, कर देंगे आप? जानवर की क्वालिटी पे, जानवर की खसूसियात पर डिपेंड करेगा किस जानवर की कितनी कीमत। अच्छा जी, नहीं होता ही है ना, तकरीबन यहाँ पे आपके पास कितने एवरेज का जानवर है जिसकी कीमत लोएस्ट है या हाईएस्ट है, अगर किसी ने आपसे लेना हो जानवर? फी जानवर की जो कीमत है वो 15,000 से 16,000 पर लीटर के हिसाब से। मतलब एक जानवर अगर 30 लीटर दूध दे रहा है तो उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें, 15,000 से 16,000 पर लीटर के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं। सही हो गया जी। तो और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक तकरीबन समझ लो कि 40 से 45 जानवर सेल कर दिए हैं। ठीक हो गया जी, ब्रीड तैयार कर, ठीक हो गया जी। ये इस टाइम हम सरदार डेयरी फार्म पे मौजूद हैं जी आपके सामने, ये बाबा जी, ये सरदार डेयरी फार्म है जी, ये इसका कुछ व्यू है, ये तकरीबन सारी यहाँ पर गायें ही हैं, फ्रीजन की इनकी क्वालिटी फ्रीजन है, ये तकरीबन सारी यहाँ पे हमने अब दूध चुवाई के लिए आ रही हैं गायें, और यहाँ पे अब ये देखें मशीनें, यहाँ पे चुवाई होगी, अब ये मशीनें और ये गायें हैं जी, ये तड़फ रही हैं अब चुवाने के लिए। चलो जी बाबा जी ले के आओ, ये आ रही है अब गाय, देखें ये तड़प रही है चुवाने के लिए, ये आई है, और ये देखें, ये देखें आ चुकी हैं अभी दोनों को, दोनों देखते हैं। मशीन के साथ अब लगाने लगे हैं, सबसे पहले ठंड हो जा रहे हैं,
ये रिफंड हो जा रहे हैं। पहले ये देखें जी, पीछे से ये लगा दिया ताकि जानवर बाहर ना निकले। उसके बाद ये ठंड हुए हैं, बाद में फिर अभी ये मशीन फिक्स करने लगे। ये देखें जी भाई, हमारे मशीन लगाने लगे हैं। कोई कर रहे हैं और ये मशीन लगा रही है। एक दो और ये तीन और ये चार, चारों मशीनों को चारों को लगा दिए। अब इसको भी इसी तरह लगाना है। ये देखिए मशीन लगा दी और ये आपके सामने ये देखें चारों लगा दिए हैं। और ये देखें और ये हमारी टंकी है। ये कितने लीटर की टंकी है जी? ये 55 लीटर की है, दो ही करना। 55 लीटर की टंकी है जी ये। और देखते हैं कितना करती है। ये इम्पोर्टेंट मशीन है, मेड बाय तुर्की से आई हैं ये मशीनें स्पेशल ड्यू चोन के लिए। और तकरीबन पाकिस्तानी एवरेज इनकी जो कीमती जो मशीन है, मशीनों की कीमत है वो है 3.5 लाख रुपये एक मशीन की कीमत जो है। ये सामने प्रेशर भी लगा हुआ है, कितने किस हिसाब से चीज़ जा रही है प्रेशर आपके सामने। ये है लीटर, लीटर ये और ये लीटर। और ये इनके लिए साथ खुराक डाल रखी है, चुआई के टाइम भी खुराक डाल रखी है। नेक्स्ट गाय नंबर आ रही है ये 118। ये हमारे डॉक्टर साहब खुराक क्या डाल रहे हैं? अच्छा, और इसके अलावा क्या खुराक डाल रहे हैं जी? साइलेज वंडा बस। और कुछ सही? बाकी मशीन आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? कितने साल? 5 साल हो गए। कितनी देर में एक जाएगा दूध? दो मिनट हो गया जी। नेक्स्ट अब ये इस गाय का नंबर है 118। और ये जी हो गई है फारग। अब ये नेक्स्ट गाय का नंबर है, इससे एक तो ये है कि जल्दी चोया जाता है दूध। और ये हमारे दो गायें साफ हो गई हैं 2-2.5 मिनट में। अच्छा जी, साहब इसका नंबर 118 जी। आपने टैग लगाए हुए? टैग लगाए। अच्छा, इसका कितना लीटर? इसका भी तकरीबन इतना ही है। कितना लीटर तकरीबन? 14 लीटर एक टाइम का। 13-14 लीटर ये जी गाय। ये कौन से सुबह? ये भी दूसरे सुबह। आप इनको कैसे खिलाते हैं? मेडिसिन वगैरह भी लगाते हैं? मेडिसिन वगैरह तो कोई नहीं, ये चारा साइलेज वड्डा। अच्छा, एडवांस वैक्सीन कोई भी हो तो कराई। सही। आपके सामने जी 2 मिनट ही लगे हैं। 2 मिनट तो वक्त नहीं लगते, सिर्फ इस बार खड़े होने थे तो मैं नहीं गाइया जल्दी कर। ये देखें जी, सुबह कितने बजे चुआई करते हो? सुबह गोदी के हिसाब ना लिया 3 बजे आर्डर दे सर की 3 बजे कर दी है या 4 बजे कर 4 बजे 3-4 के दिन में। हाँ जी, तो पिछले टाइम भी 3-4 हाँ जी। और अब भी ये जी टाइम देखें जी 3:47 हो गए इस टाइम से जा रही है। दूध ना दस्ती को सुना नेक्स्ट जी 150 नंबर ये आ रही है जी।
नेक्स्ट गाय नंबर आ रही है ये 118 13-14 लीटर एक टाइम का ये कितने और इसके अलावा क्या खुराक डाल रहे हैं जी साइलेज वंडा बस सही बाकी मशीन आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं कितने साल 5 साल हो गए कितनी देर में एक जाएगा दूध दो मिनट लगा हो गया जी दो मिनट हो गया जी नेक्स्ट अब ये इस गाय का नंबर है 118 और ये भी हो गई है फारक अब ये नेक्स्ट गाय का नंबर है इससे एक तो ये है कि जल्दी चोया जाता है दूध और ये हमारे दो गायें साफ हो गई हैं दो ढाई मिनट में कितना लीटर तकरीबन एक टाइम का 13-14 लीटर ये जी गाय कौन से सुबह दूसरे सुबह आप इनको मेडिसिन वगैरह भी लगाते हैं तो कोई नहीं ये चारा साइलेज परेशानी कोई नहीं लेबर नहीं है मालक भी बह के चुवाई कर सकते सही सौ गाय भी हुए कोई परेशानी नहीं सही ठीक है 2 मिनट टाइम लगता है 2 मिनट ये आपके सामने जी 2 मिनट ही लगे हैं तकरीबन 2 मिनट तो बात नहीं लग गया सिर्फ इस वक्त भी खड़े होने थे तो मैं नहीं गाइयां जल्दी कर दूंगा सही ये देखो जी सुबह कितने बजे चाई करते हो सुबह दोधी के हिसाब ना लिए 3 बजे ऑर्डर दे सर की 3 बजे कर भी है या 4 बजे का 4 बजे 3 तो 4 दे देना हां तो पिछले टाइम भी 3 तो 4 हां और अब भी ये जी टाइम देखें 3:47 हो गए इस टाइम पे जा रहा है दूध ना दे सकते ना दस्ती को सुना नेक्स्ट जी 150 नंबर ये आ रही है जी 150 पर ये आ चुकी है अब ये है जी आपके सामने ये फार्म ये इनको पायोडीन लगाई है चुवाई के बाद ही ये पायोडीन लगाते हैं ताकि जरासीम वगैरह से इन्फेक्शन वगैरह से बची रहे ये पायोडीन लगा रखी है ये भी ये गाय चुवाई होकर आई है आपके सामने है ये जी और ये देखें बिल्कुल बहुत ही शरीफ जानवर है ये तकरीबन सारी एक से एक क्वालिटी की हैं फ्रीजन क्वालिटी है और सारी बहुत ही अच्छी हैं ये देखें तड़फ रही हैं चुवाने के लिए और ये कुछ इनके जार हैं इनके बच्चे बच्चियाँ ये भी फ्रीजन क्वालिटी के हैं आगे से इनके बच्चे ये बछड़ा अभी और ये हमारे करीब आ गया और सामने वो भी एक बछड़ा बैठा हुआ है और ये बकरियों के अलग से पोर्शन है ये भी और ये देखें चुवाई हो रही है सेपरेट काम रखा हुआ है यहाँ पे ये चारा वगैरह खाते हैं साइड पर ये चारा वगैरह खा रहे हैं और ये और एक साइड पर ये दवाई दूध चुवाई का काम हो रहा है और इनके लिए देखें जी अलग से पोर्शन बना रखा अपना ये छाँ वगैरह ये देखें और यहाँ पे इनके लिए गर्मियों में शावर वगैरह का सिस्टम भी लगा रखा है ताकि ये नहाने वगैरह का सिस्टम अलग से रहे ये पाइप जो नज़र आ रहा डोरी के साथ बंधा हुआ ये पाइप ये नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं इनके और वो पखा लगा रखा है ताकि गर्मियों में हवा वगैरह इस्तेमाल करनी पड़े तो
लगा करते रहें। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा लगती है क्योंकि ये लेंटर के हिसाब का ये बना रखा कंक्रीट का, ताकि हवा लगती रहे। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और ये बिल्कुल जंगल में बना रखा है फार्म, ताकि बरवक़्त हवा लगती रहे सही तरीके से। हर किस्म के जानवर के लिए अलग अलग पानी का सिस्टम रखा रखा है। वो बड़ों के लिए सामने वाला अलग से पानी का सिस्टम है, ये बड़ों के लिए अलग, ये इन छोटों के लिए बच्चों के लिए पानी का अलग सिस्टम है। ये देखें जी, ये थोड़ी सी लो क्वालिटी के हैं, ये इनके लिए अलग से है, और वो दूसरा सामने इनके लिए अलग से है, और ये इनके लिए अलग से है। ये सरदार डेयरी फार्म है, यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। ये जी अब इस गाय का नंबर है 10 नंबर गाय। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार किस्म की नस्ल है, इसके दूध में भी बहुत अच्छी है ये। ये देखें जी, इनका चुवाई का टाइम हो गया, तो ये अब करीब करीब आ रही हैं जी। यहाँ पे मशीन के साथ चुवाई हो रही है, तो और ये करीब करीब अब आ रही हैं, क्योंकि इनको पता है कब दूध चुवाई का टाइम हो गया। और ये देखें आपके सामने हमारे को माशाल्लाह, इन तकरीबन सारी गायें हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी फ्रीजन क्वालिटी है सारी गायों की। ये देखें जी, और ये देखें जी मशीन के साथ पूछवाने के बाद, ये जो सर्जरी गायें हैं यानी कि जो सूख गई हैं, तो इनके लिए भी अलग से ये दूध, पहले इनको खुद पिलाया जाता है बच्चों को, इनके बच्चे हैं बच्ची जो भी होगी, तो उसके लिए पहले खुद दूध पिलाया जाएगा। ये भाई दूसरी तरफ ये है, ये कितनी दूध देती थी ये गाय? ये 37-38 लीटर तक जड़ा ना पहले सुबह की था ने। सही, और दूसरा सुबह सुइयां ने। अच्छा, दूसरा सुबह ने। अच्छा, दूसरा सुबह ये तीसरी चवाई या सुबह दी? ये कौन सी किस्म की है? ये रेड फ्रीजियन। रेड फ्रीजियन जी। तो इस रेड फ्रीजियन को कैसे पता चलता है ये रेड फ्रीजियन, इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत? सुरख होता है। अच्छा, सुरख होता है। तो और इस जड़ा ना शेड दा ब्लैक जो है दा। अच्छा, सही मौसम के हिसाब से। तो ये जो इसका बछड़ा है या जो भी है बेटा या बेटी है, तो ये कौन सी क्वालिटी का है? ये भी फ्रीजियन है। ये भी फ्रीजियन है। खुद का ये बछड़े से लगवाया या इंजेक्शन? अच्छा, अच्छिया डोजे ला, पहले इनको पिलाया जाता दूध? हाँ जी। सही, बाद में तीन टाइम चुवाई है इसकी? तीन टाइम चुवाई है। वाह जी, देखें जी ये इसकी बच्चे जड़ा ना ज्यादा दूध पिलाया जाता है। अच्छा, उस तो बाद इरे तीन टाइम ही चुवाई रहनी है, 2 महीने 3 महीने दोनों गायों की? हां जी, जिरो बन जानियां ने थोड़ा दूध शॉर्ट कर दियां ने फिर दो टाइम दे। ये देखें जी, ये गायें माशाल्लाह तीन टाइम चुवाई है, और ये आपके सामने 38 से 40 लीटर दूध की गहरा है जी भाई ये, और प्योर ये रेड फ्रीजन की गायें हैं ये। अच्छा जी, सर आपको इतने इस काम करने में कितना साल हो गया आपको इस काम को करते हुए? 12-13 साल हो गया इस काम को करते हुए। इससे पहले कहीं पे और पे काम कर रहे हैं या यहीं पे काम कर रहे हैं? थोड़ी देरी हुई है, 2-2.5 साल। अच्छा, बाकी में कर रहे हैं। सही, अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद पर आपके पास जो इनकी ग्रोथ है वो बढ़ रही है? ठीक है जी। अच्छा जी, ये गायें जो है आपके पास है, अगर किसी ने लेनी हो तो क्या हिसाब है इसका रेट? दोनों टाइम का सॉरी। अच्छा, यानी कि टोटल 38 से 40 लीटर दूध होता है इसका, तो भाई कह रहे हैं कि 6-7 लाख की सेल कर देंगे हम, अगर किसी 6-7 लाख की ये आप ले आके आने हैं मंडियां में बेचोगे? सही, हां जी ठीक है। बाकी डेरे तो देंगे डंगा, जिन्ना मान दसेंगे तो मान ही देगा डंगर, चोके खड़ो। ठीक हो गया जी, अभी ये जी चुवाई करेंगे भाई, और देखेंगे आपको दिखाएंगे ये कितना चुवाई दूध दे रही है। ये आपके सामने अलग अलग इनके लिए टंकी इस्तेमाल हो रही है, और देखेंगे कि कितना इन्होंने दूध दिया है।
तो अभी तो ये चुवाई हो रही। दो दिन हुआ है। कितने दिन नहीं हुआ है इसको? दो दिन हुआ है जी, देखें। और माशाल्लाह कितने अच्छे। 10 दिन तो बाहर, 15 दिन तो बाहर गिनाया जांदा दीदी, इतना जणा बच्चियां च गाईदा। अच्छा जी, तीन टाइम सही जेड़ा फायदा चोरी। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे बकरियों और बच्चों वगैरह के, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जा वगैरह के लिए, ये अलहदा से पोर्शन बना रखा है। ये देखा जी, जाला लगा रखा है। और ये दूसरी साइड पे इनके, इसको फुल क्लोज कर रखा है, सेपरेट रखे हुए हैं। और ये अलहदा से, ये अलहदा से इन्हें बड़े जानवरों के लिए अलहदा से। ये दो मिनट हो गए हैं। और ये गाय हो गई, फारक चुहा हो गई। अब इसकी नंबर है जी। और ये इसको बांधा है, अब इसको मशीन लग जाए, इसके ठंड हो जाएंगे, बाद में इसको मशीन लगाएंगे। ये जी आपके सामने दूध दिया जा रहा है। ये जी आपके सामने दूध दिया जा रहा है। फुल प्रेशर पे। ये देखें जी आपके सामने CCTV कैमरा लगा रखा है ये। और ये जहाँ से चुवाई हो रही है वहाँ उसी के ऊपर एक कैमरा ये है, और इसकी बकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है। और एक कैमरा दूसरे दरवाजे की साइड पे लगा रखा है, दो कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट किस्म के जानवर हैं, आम जगह पे ऐसे जानवर नहीं मिलते। ये आपको जो दिखा रहे हैं ये बहुत ही ख़ास जानवर, सब एक से एक जानवर हैं ये।